नमस्कार, उत्तराखंड साइंस एजुकेशन रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। यूसर्क राज्य में प्रौद्योगिकी आधारित विज्ञान शिक्षा सुलभ करवाने हेतु कृत संकल्प है। आज के इस तकनीकी युग में शिक्षा पद्धति में सम्यक बदलाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा के सभी स्तरों तक आईसीटी के समावेश से और विशेषज्ञों के माध्यम से विकसित ई कंटेंट सुदूर छात्रों एवं अध्यापकों हेतु उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारा विश्वास है कि ई कंटेंट एक मूल्यवान संसाधन के रूप में आपके चिंतन कौशल एवं रचनात्मकता में वृद्धि करने में सहायक होगा। धन्यवाद। चलिए आइए इस वीडियो में हम लोग सांख्यिकी के ऊपर कुछ प्रश्नों का हल करें जो कि काफी जरूरी प्रश्न है। और पहला प्रश्न हमारे पास है, आंकड़ों का बहुलक 67 है, लुप्त बारंबारता x ज्ञात कीजिए। तो क्योंकि हमको यहाँ पे एक वर्गीकृत आंकड़ों का समूह दिया गया है, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए जब हम बहुकल निकालते हैं तो उसका सूत्र क्या होता है। और सूत्र है हमारे पास बहुकल बराबर इसके, और बहुकल यहाँ पे हमें 67 दिया गया है, तो 67 बराबर L। और L क्या है? जो हमारे पास बहुकल वर्ग होगा उसका निम्न सीमा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास बहुकल ही दिया है, तो हम बहुकल वर्ग आराम से कह सकते हैं कि 60 से 70 होगा, क्योंकि इसी के बीच में ये मान 67 आ रहा है। तो निम्न सीमा बहुकल वर्ग की 60 हो गई। और फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे F1 जो कि बहुकल वर्ग की बारंबारता जो कि 15 है, माइनस F0 जो कि बहुकल वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता है यानी कि x। और यहाँ पे हमें इसे भाग देना है 2 गुना F1 और F1 है 15, माइनस F0 जो कि है x और F2 जो कि है 12, और इसको हमें गुणनफल करना है h से जो कि है हमारे वर्ग का माप यानी कि 10। अब अगर हम इस पूरे ही समीकरण में दोनों तरफ 60 को घटा दें तो 7 बराबर आ जाएगा 15 माइनस एक्स, और नीचे हमें मिल जाएगा 2 गुना 15 30, 30 में से 12 गया 18 माइनस एक्स, और इसको भी हम 10 से गुना कर दें। तो इसको हम सही से सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे हमारे पास अगर हम पूरे समीकरण में 18 माइनस एक्स जो है वो गुणनफल कर लें तो हमें मिलेगा 10 के साथ में यहाँ पे 15 माइनस एक्स का गुणनफल। और इसको आइए चलिए खोल लेते हैं, यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो 7 से अगर हम 18 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 7 का गुणनफल हमारे पास आ जाएगा 126 माइनस 7x, ये आ जाएगा 150 माइनस 10x। तो चलिए ये ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ 126 जो है वो घटा देते हैं, तो 150 में से 126 चला गया और बाईं तरफ वाला 126 खत्म हो गया। दोनों तरफ 10x को जोड़ देते हैं तो यहाँ पे दाईं तरफ वाला माइनस 10x कैंसिल हो गया, बाईं तरफ हमारे पास 10x आ गया। तो 10x माइनस 7x जो है वो 3x हो गया, 150 में से 126 हटाएंगे तो 24 बचा। अगर पूरे ही समीकरण को हम 3 से भाग दे दें तो 24/3 हमारे पास 8 आ जाएगा, और इस प्रकार हमने x का मान 8 निकाल लिया। प्रश्न जो था काफी सरल था, काफी सीधा था। हमें बस ये ध्यान रखना है कि अगर हमें बहुकल दिया है तो बहुकल वर्ग क्या होगा, और एक बार आपको बहुकल वर्ग पता चल गया तो आप सिर्फ और सिर्फ इस सूत्र का प्रयोग करके कोई भी जो लुप्त मान हो या लुप्त संख्याएं हो, लुप्त बारंबारताएं हो, उनको जान सकते हैं। चलिए आइए एक और प्रश्न देखें। और यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुकल ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे दिए गए जो हैं वो वर्गीकृत आंकड़े हैं और हमें बहुकल ज्ञात करना है। और हमें मालूम है कि वर्गीकृत आंकड़ों के लिए बहुकल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें उसके सूत्र का प्रयोग आना चाहिए। और सूत्र में हमें जो भी यहाँ पे पद दिए गए हैं हम उनका अगर मान रख दें तो हमारा काम काफी आसान हो जाएगा। तो हमें बहुलक निकालना है, और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो दिए गए वर्गीकृत हैं उनमें से हमारे पास जो बहुलक वर्ग है वो कौन सा होगा। तो बहुलक वर्ग वो जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है यानी 12 से 16। तो हमारे पास जो बहुलक वर्ग है वो 12 से 16 आ गया, इसलिए L का मान जो है वो 12 हो जाएगा, क्योंकि बहुलक वर्ग का
जो निम्न सीमा होती है वही एल होता है। एफ वन जो है वो उसकी खुद की बारंबारता यानी 12 यानी 17, और इसके बाद एफ नॉट जो उसके पहले वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 9, और फिर 2 × 17 माइनस 9 माइनस इसके बाद वाले वर्ग की बारंबारता यानी कि 12, और फिर हम इसको गुणनफल कर देते हैं किससे, एच से, जो कि दिए गए वर्ग का माप है और वो हो जाएगा 4, क्योंकि 16 में से अगर हम 12 घटाएंगे तो हमें 4 मिलेगा। तो बहुकल हमें ज्ञात करना है, 12 में 17 में से 9 गया 8 बचा, 2 को 17 से गुना किया तो 34, 12 और 9 21, और यहाँ पे फिर हम 4 से इसका गुणनफल कर लें, फिर हमें मिला 12 और यहाँ पे मिला 32 और यहाँ मिला 13, और अगर हम इसको यहाँ पे हल करेंगे तो 2 दशमलव, फिर यहाँ पे शेषफल था 6, तो अगर हम इसको 4 से करेंगे तो 52, फिर 8 आ गया, फिर 6 से करेंगे तो 78। तो इस तरह से हमारे पास 14.46 जो है वो इस दिए गए वर्गीकृत आंकड़े का बहुकल है, जो कि हमने दो चरणों में निकाला, पहले बहुकल वर्ग निकाल के और फिर इस बहुकल के सूत्र का प्रयोग करके। चलिए आइए एक और प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित बटन एक मोहल्ले में बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, माध्य जेब खर्च ₹18 है, लुप्त बारंबारता एफ ज्ञात की। तो यहाँ पे जो हमसे बारंबारता कही गई है एफ ज्ञात करने को, उसके लिए जो हम सहायता लेंगे वो इस इंफॉर्मेशन की कि इन दिए गए जो वर्गीकृत आंकड़े हैं उसकी माध्य जेब खर्च ₹18 है। अब माध्य जेब खर्च आइए पहले हम इसके लिए निकाल लें। तो चलिए आइए सबसे पहले हम इस तरीके का एक टेबल बना लेते हैं, और यहाँ पे हमें दैनिक भत्ता 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25 दिया गया है, और यहाँ पे बारंबारता दी है 7, 6, 9, 13, 5, 5, F, 5 और 4, और अब वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं, जो कि 11 और 13 के लिए 12 हो जाएगा, 13 15 के लिए 14, 15 16 के लिए 15 और 17 के लिए 16, 17 और 19 के लिए 18, 19 और 21 के लिए 20, 21 और 23 के लिए 22 और 23 और 25 के लिए 24। और अब आइए हम इन दोनों का गुणनफल निकाल लें। तो 12 को अगर 7 से गुणनफल करेंगे तो 84, 14 को अगर 6 से करेंगे तो फिर से 84, 16 को अगर 9 से करेंगे तो 144, 18 को अगर 13 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234, और अगर 20 को F से करेंगे तो 20F, 22 को अगर 5 से करेंगे तो 110, और 24 को अगर 4 से करेंगे तो 96। इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि हमें माध्य निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट मेथड यूज कर रही हूँ तो प्रत्यक्ष विधि, तो इसलिए यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई ओवर सिग्मा एफ आई। तो यहाँ पे मुझे माध्य दिया गया है 18, सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी मुझे इस कॉलम का पूरा योगफल निकालना होगा, तो आइए सिग्मा एफ आई एक्स आई निकाल लेते हैं। तो पहले इकाई संख्याओं का योग कर लें, तो 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 6 22, हाँ से लगा 2, 10 और 18 और 4 22 और 3 25, 25 और 1 26 और 9 35, 5 हाँ से लगा 3 और 3 और 1 4 और 4 और 2 6, 6 और 1 7, तो हमारे पास आ गया 752 और 20F। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि 752 प्लस 20F हो गया, और यहाँ पे हमें ये दिया गया है कि बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो वो हम इस पूरे ही अगर बारंबारता वाले कॉलम का सम ले लें तो हमें मिल जाएगा, तो 7 और 6 हो गया 13, 13 और 9 22, 22 और 13 जो है 35, 35 और 9 हमारे पास आ गया 44 प्लस F, तो ये आ गया 44 प्लस F, और अगर मैं इस पूरे ही समीकरण में 44 प्लस F को गुणन कर दूं तो मेरे पास आएगा 18 × 44 प्लस 18F, और दाईं तरफ तो आप देख सकते हैं कि ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 752 और 20F। चलिए ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ 752 जो है वो घटा देते हैं, तो यहाँ पे 752 घट के आ जाएगा और यहाँ से 752 कैंसिल हो गया। इसी तरीके से अगर 18F यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो बाईं तरफ से चला गया, यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे 18 और 44 का गुणनफल भी आएगा, तो 18 को अगर हम 14 से गुणनफल करते हैं तो 72 आता है,
और फिर से 72 और 7 जो है 792 हो गया। तो मेरे पास यहाँ पे 792 हो गया, तो इसका आशय ये हुआ 40 बराबर मेरे पास 2f आ गया, और f का मान 40 बटे 2 करके हमारे पास 20 आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने माध्य का प्रयोग करके, और यहाँ पे तो मैंने प्रत्यक्ष विधि इस्तेमाल करी है, आप अगर चाहें कि आपकी थोड़ी गणना और कम हो जाए तो आप कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। मुझे आशा है मैंने इस वीडियो में आपको जो भी बातें बताई आपको अच्छे से समझ आई होंगी।